खरगोन जिले के गोगांव में जनता को वैक्सीन लगाने के फायदे और नहीं लगाने पर क्या नुकसान होगा, यह बताया गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश खरगोन के जिला तहसील गोगांव की, जहां स्थानीय प्रशासन अमला जनता को वैक्सीन लगाने और उनके जागरूक करने को लेकर दोपहर 12 बजे नगर में मुख्य मार्गों पर पदयात्रा पर निकला। दोपहर 3 बजे जनपद पंचायत सभागार में व्यापारियों की बैठक ली गई। बैठक में बताया गया कि दुकानदार और उनके काम करने वाले कर्मचारी अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए दुकानदारों और उनके काम करने वाले कर्मचारियों को सर्वप्रथम वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जो व्यापारी बंधुओं के लिए अति आवश्यक है। साथ ही आम जनता इसके प्रति जागरूक हो। आमजन अपनी ओर से और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड सेंटर पहुंचकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस अवसर पर तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, थाना प्रभारी महेश सुनेया, CEO रोहित पचौरी, ग्राम पंचायत सचिव ओम प्रकाश यादव और नगर के गणमान्य नागरिक और पत्रकार साथी मौजूद थे। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। तो यदि कोई संक्रमित आ भी गया, ये नहीं कहता संक्रमित सब खत्म हो गए, आ रहे हैं, आज भी अपने यहाँ भी आ रहे हैं। आज व्यापारियों की मीटिंग वैक्सीनेशन के संबंध में रखी गई थी। सारे व्यापारी बंधुओं को वैक्सीनेशन के बारे में हिदायत दी गई और ये बताया गया कि आप वैक्सीनेशन लगाने के बाद ही व्यापार कर पाएंगे। इसी तारतम्य में आज दोपहर में पदयात्रा निकाल कर, जिसमें CEO साहब, PI साहब थे और गांव के गणमान्य नागरिक साथ में थे, सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया और अभी मीटिंग में भी सबको इसकी हिदायत देकर बताया गया कि वैक्सीनेशन के क्या क्या फायदे हैं और लगाना क्यों आवश्यक है। सर क्या नाम है? राधेश्याम पाटीदार, तहसीलदार गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।